फ्रेंड्स तो वेलकम टू कपिल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा विभाग में अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है निकली है उसके बारे में। फ्रेंड्स जो है वैकेंसी है राजा राम मन्ना प्रगत और केंद्र में जो निकले अप्रेंटिस है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रीड करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं नोटिफिकेशन के, हम नोटिफिकेशन रीड करते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसी है 113 वैकेंसियाँ हैं फ्रेंड्स। अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आपके रहने वाली है 113 वैकेंसी है रहने वाले हैं फ्रेंड्स। फॉर्म सबमिट करने की डेट के बारे में जानते हैं तो 18/7/2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 17/8/17 अगस्त 2022 लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेंड्स। यदि आप STSC कैटेगरी से हैं तो आपको अप्रेंटिस रूल्स जो यहाँ पे दिए गए वो आप नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा, वहाँ पर आप छूट वगैरह इसमें दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बात हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। बात करेंगे तो एज लिमिट में 18 से 22 साल आपका एज होना चाहिए फ्रेंड्स। 18 से 22 आपका एज होना चाहिए, 18 मिनिमम मैक्सिमम 22 साल। वेतन की इसमें सर फ्रेंड्स बात करते हैं तो आपका जो वेतन रहने वाला है 11,600 पर मंथ आपका वेतन रहेगा फ्रेंड्स। फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले फ्रेंड्स आपको नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको इस वाले क्लिक पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। ये यहाँ पे वैकेंसियों की डिटेल दी गई है फ्रेंड्स। वेल्डिंग गैस और इलेक्ट्रिक के लिए 3 पोस्ट है, इसमें आपका ITI होना चाहिए गैस वेल्डिंग से। फिटर में 15 पोस्ट है फ्रेंड्स, मैकेनिस्ट में 6 पोस्ट है, टूनर में 8 पोस्ट है, डगमैन में फ्रेंड्स 6 पोस्ट हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर AC और फ्रिज के लिए 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह का जो उसके लिए 15 पोस्ट है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोवाटर के लिए 3 पोस्ट है, स्कूबा के लिए 3 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 3 है, सर्वर के लिए 1 पोस्ट है, मासूम के लिए 1 है, कारपेंटर के लिए 1 है फ्रेंड्स। इसमें सेक्रेटरी के असिस्टेंट के लिए 14 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें स्टेनोग्राफर और आपके पास होना चाहिए हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट के लिए सिविल के लिए 1 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 पोस्ट है फ्रेंड्स। ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग 4 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसमें पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट, टोटल 113 पोस्ट है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्स इसमें जो आपका चाहिए आपको सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम पोर्टल स्कीम पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जो आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ से यदि आप फिजिकली हैंडिकैप है तो उसका सर्टिफिकेट, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स फॉर्म फिल करने के। इनका फॉर्मेट JPG फाइल में आपका फॉर्मेट PDF और JPG में होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसका रहने वाला है, कैंडिडेट ITI पास होना चाहिए, एलिजिबल ITI पास कैंडिडेट एलिजिबल है, बिफोर नॉट एलिजिबल अप्लाई फ्रेंड्स। पास आउट 1 ITI इन 2018 बिफोर आर नॉट एलिजिबल है फ्रेंड्स। इसमें जो बात करते हैं आपकी नेशनल 29 अगस्त 2022 मेरिट लिस्ट जो आपकी होगी 29 अगस्त 2022 को आपकी होने वाली है फ्रेंड्स। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उस पर आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे 10th सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है तो आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट नंबर, पासबुक हार्ड कॉपी हो, नेशनल अप्रेंटिस एंड रजिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस ईमेल ID हार्ड कॉपी हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो, ऑल मेंशन डॉक्यूमेंट्स 2 रिक्वायर्ड साइज पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। और मेडिकल आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट कंडक्ट 7/11/2022 से 12/11/2022 को कराया जाएगा फ्रेंड्स। जॉइनिंग जो आपकी रहने वाली है मेरिट लिस्ट मेरिट निकलेगी उसके बाद आपका जॉइनिंग रहने वाला है। जनरल इंट्रोडक्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट अब बात करते हैं, यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है स्टार्ट 11/15/11/2022 से, तो यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 18/7/17/7 रहने वाला है। डिग्री मेरिट लिस्ट जो आपकी होगी 29/8/2022 को होगी। कंफर्मेशन सॉफ्ट जो कैंडिडेट होंगे 29/8/2022 से एंड डेट 4/9/2022 रहने वाला है। डिक्लेरेशन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 7/9/2022 को। रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन 7/11/2022 को कराने पर, डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट 7/11/2022 से 12/11/2022 और अप्रेंटिस पीरियड जो आपका रहने वाला है फ्रेंड 15/11/2022 से 14/11/2022 रहना वाला है फ्रेंड्स।
ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया, फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, और सबसे पहले आपको इस वाले यहाँ पे दिया गया इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको नेशनल इस वाले ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन वो कर लेंगे आप, और आपको यहाँ पे चल जाना है। यहाँ पे आपको लॉग इन पे जाएंगे, रजिस्टर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट सर्च करेंगे, कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फादर नेम और रिलेशन यहाँ पे चूज करना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको डालना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, और आप जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको डालना होगा, फिर यहाँ पे टिक करना होगा, सबमिट करना होगा। फिर सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएंगे। उसको फिर आपके मेल आईडी पे एक एक्टिव मेल आएगा, उसमें आपको एक्टिव के लिए बोलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के बाद फ्रेंड्स आपको लॉग इन करना होगा, आपका मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉग इन कर लेंगे। फ्रेंड लॉग इन करने के बाद आपको प्रोफाइल पे यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जाके इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना होगा, और आपकी जो डिटेल आपने भरी नहीं है वो सारी डिटेल, एड्रेस वगैरह, आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे भरने होंगे। फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ लगाना होगा, आईडी प्रूफ आप जो लगाना चाहते हैं वो आधार कार्ड लगाना चाहते हैं आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा फ्रेंड्स आधार कार्ड का। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे चूज करनी होगी। जैसे मैं डाटा एंट्री के लिए करना चाहता हूँ तो मैं डाटा एंट्री चूज करूँगा फ्रेंड्स, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से जो नाम डाला हुआ है नाम फिल करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मेल या फीमेल, आप मेल है मतलब फीमेल, मेल है तो मेल यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चर कोड डालना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर सेंड पासवर्ड और जो है आपके मेल आईडी पे भेज दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा, लॉगिन करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपके मेल आईडी पे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। पासवर्ड यहाँ आपको अपना पासवर्ड जो आपके मेल आईडी पे आया होगा वो पासवर्ड आपको फिल करना होगा फ्रेंड्स, और सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे डिटेल, पर्सनल डिटेल आपको सबमिट करनी होगी फ्रेंड्स। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको जो हमने रजिस्टर किया है वो नंबर डाल, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एनसीबीटी एससीबीटी से जो आपने आईडी किया है उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होगा, यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना होगा, यहाँ आपको स्टेट अपना चूज करना होगा, यहाँ पे पिन कोड डालना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, नहीं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, सेम है तो सेम डालना है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना सिटी डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना स्टेट, और यहाँ पे आपको पिन कोड अपना डालना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालना होगा, टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर वैसे आप पर्सन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ आपका पूछा जाएगा, 10th के मार्कशीट में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे फिल करना होगा, नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आया होगा, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है तो मैरिड डालेंगे, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड डालना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर रिलीजन आपसे पूछा जाएगा, रिलीजन आपका क्या है तो आपको अपना आपका रिलीजन आपको डालना होगा फ्रेंड्स। यदि आप एस टी एस सी कैटेगरी, किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी लिखना होगा, एस टी एस सी कैटेगरी से करते हैं, ओ बी सी, जनरल, ई डब्ल्यू एस से, तो वो आपको लिखना होगा। मैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से करता हूँ तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी अपनी लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको
खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आप फिजिकली, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पे इनमें सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज खाली छोड़ना है, नेक्स्ट करना होगा फ्रेंड्स। एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको सबमिट करना होगा फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी फ्रेंड्स, डिटेल सबमिट करनी होगी, एजुकेशनल डिटेल ऐड आपको करना होगा फ्रेंड्स। ऐड करने के बाद आपको अपना आईटीआई, सबसे पहले क्या फिल करना चाहते हैं आपको यहाँ पे फिल करना होगा, आईटीआई या टेंथ, तो आईटीआई की डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको पासिंग, अपने आईटीआई पासिंग ईयर आपको लिख देनी होगी फ्रेंड्स। सब्जेक्ट यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ रखा है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क क्या थे वो आपको यहाँ लिखने होंगे, और आपके मार्क कितने थे आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रेंड्स, परसेंटेज आपको कितनी थी आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी होगी फ्रेंड्स, और सबमिट, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा फ्रेंड्स। ऐड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे करनी होगी, और आपको अपने टेंथ की यहाँ पे लिखना होगा, बोर्ड का नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर लिखना होगा, आपने कब पास किया था, सो आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद सब्जेक्ट में नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको अपने मैक्सिमम मार्क क्या थे वो लिखने होंगे, और आपके कितने आए वो मार्क आपको अपने यहाँ पे अपने मार्क लिखने होंगे फ्रेंड्स। आपको अपने यहाँ पे मार्क लिखने होंगे, यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज लिखनी होगी फ्रेंड्स, और सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको दोबारा से होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड पे क्लिक करेंगे, आप क्या यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे चूज कर लेंगे, और यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो पे दोबारा से क्लिक करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो सिग्नेचर यहाँ पे आप चूज करेंगे और सिग्नेचर यहाँ पे सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पे टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना होगा, उस पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड आपको मार्कशीट, टेंथ का मार्कशीट पूछेगा, वो भी आपको यहाँ से करना है और सबमिट कर देना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक बार, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फ्रेंड्स, आईटीआई का आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, और नीचे में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से होम पेज पे जाना होगा, होम पेज पे जाने के बाद आपको अपना फॉर्म प्रीव्यू कर देंगे फ्रेंड्स। फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, फाइनल सबमिट एंड प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो पासवर्ड आपके फ़ोन पर आया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा फ्रेंड्स, जो मेल आईडी पे आपके पासवर्ड आया था वो यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा फ्रेंड्स। और सबमिट पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना है, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आपको यहाँ पे अपना ओटीपी फिल करना होगा, जो मोबाइल पे आपके ओटीपी आया होगा
यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी और सबमिट पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद सबमिट आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना और प्रिंट ले लेना है फ्रेंड्स। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, फिर कंप्लीट हो गया, फाइनल सबमिट आपका हो गया और आपको फॉर्म फिल करना है। क्लिक एयर टू प्रिंट के लिए आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे, प्रिंट ले लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आपका ऊपर भी हो जाएगा फॉर्म, जैसे फॉर्म फिल होने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है।